तो गाइज आज है 10 जनवरी और आज क्या है ये आप सबको पता है? जी हाँ दोस्तों, आज है ऋतिक रोशन का बर्थडे और पूरे 50 साल के हो चुके हैं आज के दिन ऋतिक रोशन। और भाई कल रात से ही ट्वीट बहुत ज़्यादा हो रहा था। आपको बता दूँ 5 घंटा में 70,000 ट्वीट हुआ है और नंबर 1 पे ऋतिक रोशन आ चुके हैं ट्रेंडिंग पे और सब लोगों ने बधाई दिया है जन्मदिन का ऋतिक रोशन को। आप सब समझ सकते हो 70,000 पोस्ट सिर्फ 5 घंटा में है। अब तो भाई दुगना तिगना स्पीड से बढ़ेगा फाइटर का क्रेज। और भाई आने वाला है ट्रेलर 15 जनवरी को। इसके अलावा हीर आसमानी सॉन्ग आया था जो कि अब ट्रेंडिंग पे आ चुका है और फाइटर का सारा गाना अब ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो भाई अब क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि फाइटर का तीसरा गाना बहुत अच्छा नहीं है। अरे भाई आप लोग गाना सुनो और आप लोग खुद फील करो। पता नहीं कौन है ये लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। गाना बहुत अच्छा चल रहा है, हीर आसमानी सॉन्ग एकदम फाड़ दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं आज के दिन BTS आ सकता है फाइटर फिल्म से। ज़्यादा चांस BTS का ही है और हो सकता है कोई नया फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाए ऋतिक रोशन का। फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं आया है, अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और जैसे ही कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों बात करें टाइगर श्रॉफ के बारे में तो आज के दिन टाइगर श्रॉफ से भी रिलेटेड कुछ हम सबको देखने को मिलेगा और ये बात बताया है टीम ने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे ऋतिक रोशन लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।